इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि राहुल गांधी भी हैं, और ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं। कई बार ऐसी अफवाहें भी उड़ी हैं कि राहुल गांधी ने ऑलरेडी शादी कर रखी है और वो अपनी वाइफ को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, उसको पर्सनल रखना चाहते, प्राइवेट रखना चाहते। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रायबरेली में रैली के दौरान अपनी शादी का ऐलान किया है। जी हाँ, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो शादी करना चाहते हैं। और क्या कुछ कहते नज़र आए हैं और उनके इस बयान से और क्या कुछ सियासी गलियारों में हरकत मच रही है और आम लोगों के बीच में क्या चर्चाएं हो रही है, चलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, मीडिया के दोस्त, मैंने मीडिया को दोस्त कहा, दो तीन यहाँ है हमारे मीडिया के मित्र हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे दिख रहे हैं, मगर सच बताऊं तो ये हमारे दोस्त नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, किसानों के दोस्त नहीं है, अदानी के दोस्त है। ये तो सैलरी लेनी है, बच्चों को पालना है, तो इनकी गलती नहीं है, मगर जो बड़े मालिक हैं इनके, बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग हैं, बड़े एंकर्स हैं, वो तो अदानी जी के हैं, आपके है ही नहीं, हमारे है ही नहीं। हाँ, वो 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाएंगे। कभी आपने मीडिया में किसान देखा है? टीवी में कभी किसान को देखा, मजदूर को देखा, ये जो यहाँ बेरोजगार युवा है उनको देखा कभी टीवी में? टीवी देखो तो ऐसा लगता है भैया हिंदुस्तान में तो गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है। और सड़कों में जाओ, सबसे बड़े मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी। रायबरेली अमेठी में काफी काम किया, रायबरेली में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री दी, एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन, एम्स जिसको बीजेपी ने बंद कर रखा है, स्टॉल कर रखा है, स्पाइस पार्क जो बीजेपी ने बनने नहीं दिया, शारदा कनाल, गंगा ब्रिज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, निफ्ट फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। और जब यूपीए की सरकार थी, अमेठी और रायबरेली में हाईवे के जाल बिछा दिए थे, अमेठी को रायबरेली को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा और पूरे रायबरेली अमेठी का जबरदस्त फायदा हुआ, मगर मीडिया वाले ये बात नहीं कहेंगे। पूछा, युवाओं से पूछा, आप क्या चाहते हो? और हिंदुस्तान के सामने क्या समस्याएं हैं, क्या मुश्किलें हैं? तीन जवाब मिले। युवाओं ने कहा बेरोजगारी, किसानों ने कहा हमें सही दाम नहीं मिलता, मजदूरों ने कहा हमें कम पैसा मिलता है, और महंगाई, ये हैं मुद्दे। ये आप कभी टीवी पे नहीं देख सकते। 100 लाखपति बना सकते हैं। अब आप कहोगे राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, करोड़ों लाखपति कैसे बने, मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। भाई आप गरीब हो, आपका नाम क्या है? भाई अलोक कुमार, अलोक कुमार का नाम और उसके परिवार के सब सदस्यों का नाम उस लिस्ट में जाएगा, करोड़ों नाम होंगे। हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20-30,000 नहीं, 50-70-80,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। 10 करोड़ रुपए की घड़ी, आपकी शादी की बात कर रहा हूं, करोड़ों रुपए के लहंगे, दुनिया के सारे फिल्म स्टार, नाच गाना डांस, रायबरेली वाला डांस नहीं, हाँ वो पैसे से खरीदा वाला डांस, बात सही की आपने। तो मीडिया वाले नरेंद्र मोदी का चेहरा, अदानी का चेहरा, अंबानी का चेहरा,
अब आप पूछो, कोई नहीं जानता, आम आदमी नहीं जान सकता। मैं बता देता हूं आपको, अगर आप 24 साल का मनरेगा का पैसा इकट्ठा करो वो 16 लाख करोड़ रुपए। नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा का पैसा 22 लोगों को दिया है। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में। स्टेट हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों जितना धन रखते हैं और उनका कर्जा माफ हो रहा है। वो टीवी चलाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को टीवी पे लाते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की सैलरी क्या है जानते हो? प्रधानमंत्री का कितना है भाई? प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है? 2.5 लाख होती है। मुझे एक बात बताओ, ये 2.5 लाख रुपए की सैलरी है तो ये हर रोज 1 लाख रुपए का सूट कैसे पहनता है? एक सूट की कीमत 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए। दिन में 3 पहनते हैं, महीने में 90 हो गए, 1.5 लाख रुपए की सैलरी है तो ये इनके लिए सूट कौन खरीद रहा है? बूट कौन खरीद रहा है? कहां से आ रही है?